हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नौशीन खान। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों पे। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और अगर पहली बार नहीं आए हैं पहले से देखते हैं तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो कर लीजिए। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी ममाअर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन वर्सेज फॉरएवर 52 फाउंडेशन। इसके लिए मुझे कॉमेंट आया था कि आप इसका कंपेरिजन रिव्यू वीडियो करें, तो डेफ़िनेटली मैं इसका कंपैरिजन रिव्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोनों ही फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, और इन दोनों में से यू नो चूज़ करना एक फाउंडेशन बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए। बट जब मैंने सारा कुछ करके देखा देन मैंने डिसीजन लिया है कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। एंड ये बिल्कुल मैंने टेस्ट किया है गाइस। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है एंड मैंने बहुत ज़्यादा यू नो एफर्ट्स डाले इस वीडियो को बनाने के लिए। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। यहाँ सो मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये भी ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ अपना। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए, और दोनों में से कौन सा फाउंडेशन हमें बेस्ट है वो परचेज़ करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सो या अगर आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आया, वीडियो का यू नो सब कुछ अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा फाउंडेशन ज़्यादा अच्छा है जो हमें लेना चाहिए। सो पहले हम बात करेंगे फॉरएवर 52 फाउंडेशन के बारे में। गाइस, फॉरएवर 52 एक ऐसा ब्रांड है जो आजकल की डेट में सबको पता है, और इसके फाउंडेशन तो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने इस फाउंडेशन का मैंने शेड गाइड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद कि आपके लिए आपका परफेक्ट शेड कौन सा हो सकता है। सो या अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो इसकी पैकेजिंग बहुत सुंदर है। एक इसका कार्डबोर्ड का पैकेजिंग आता है, मैं साइड में पिक्चर मिली तो मैं लगा दूँगी। एंड इसकी कांच की बॉटल आती है, ठीक है, ग्लास बॉटल है, तो ट्रैवल फ्रेंडली तो मैं नहीं कहूँगी इसे है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल फ्रेंडली छोटा सा मिनी पैक कुछ होता है फाउंडेशन का वगैरह का, तो उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो। कांच की बॉटल के साथ ट्रैवल करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। आपको यहाँ पे एक पंप एप्लीकेटर मिलता है जो कि बहुत ही हेल्दी एंड हाइजीन वाला होता है। सो इसके क्लेम्स पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो क्लेम्स है, ये अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन है, ये 24 आवर्स स्टे पावर रखता है, फ्लॉलेस फिनिश देता है आपको, एंड ये शिफ्ट नहीं होता आपके फेस से, और ये लाइट वेट है। ये सारे इसके क्लेम्स हैं जो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताए हैं। क्लेम्स तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, बट मैंने आपको जो मेन मुद्दा है फाउंडेशन के बारे में बताने का वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर हम इसके मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट के बारे में बात करें तो इसके मेंशन नहीं है, ना ग्लास बॉटल में कुछ मेंशन है, ना इनर पैकेजिंग में कुछ मेंशन है, ना अपर पैकेजिंग में, तो इसमें मेंशन ही नहीं है कि आपका ये फाउंडेशन कब बना है एंड ये कब एक्सपायर होगा। सो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट करता है एक चीज़ एक पॉइंट पर आकर के। सो ये जो थी एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद इस फाउंडेशन के बारे में, वो इसलिए गाइस क्योंकि किसी भी फाउंडेशन में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे फाउंडेशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कब बना है एंड कब एक्सपायर हुआ है, तो ये थोड़ा माइनस पॉइंट मुझे लगता है इस फाउंडेशन के बारे में। अगर मैं इस फाउंडेशन के बारे में बयान करूं तो ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो यू नो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नॉर्मल स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, तो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा ये फाउंडेशन। एंड अगर आप ऑयली स्किन के हो ना, तो मैं आपको कहूँगी ऑयली स्किन वाले इसे ना यूज़ करें, देन बेटर रहेगा। अगर वो लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी अगर आप ऑयली स्किन के हो तो। अगर मैं कवरेज की बात करूँ तो कवरेज इसका मीडियम है, आप इसे बिल्ड कर सकते हो, बट इसका कवरेज मीडियम है। एंड ये मैट नहीं है कहीं से भी, ये ड्यूई फिनिश रखता है, और इसकी ऑक्सीडेशन की मैं सो ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज भी होता है गाइस। 100 में से 20% ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर आप अपना करेक्ट शेड लेते हो सकता है ये 10% ऑक्सीडाइज हो, बट अगर गलत शेड ले लेते हो ना तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा और ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर आप गलत शेड लेते हो। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, अगर आपको ये फाउंडेशन परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे आप जा करके वो वीडियो देख ले, उसके बाद आप परचेज करें। सो गाइज़, ये थी इसकी रिव्यू जो मैंने आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर की है। मैंने जेन्युइनली जो जो इसके बारे में बात थी वो मैं आपको बताई हूँ, और इसका जो प्राइस है वो 800 के अंदर आपको ये फाउंडेशन मिल जाएगा। ये 800 अप्रॉक्स होता है, बट ऑन डिस्काउंट आपको 800 में ये मिल जाएगा। सो अब हम बात कर लेते हैं ममाअर्थ फाउंडेशन के बारे में। एंड में मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा फाउंडेशन मुझे ज़्यादा बेटर।
बेटर लगता है। तो जब मैं मामा अर्थ का रिव्यू भी कर लूँगी उसके बाद मैं एंड में आपको बोलूँगी कि फॉरएवर 50 फाउंडेशन अच्छा है या मामा अर्थ अच्छा है। तो चलिए हम मामा अर्थ के बारे में अब बात कर लेते हैं। इस मामा अर्थ सीरम फाउंडेशन है और ये न्यूली लॉन्च हुआ है, इसे लॉन्च हुए अप्रॉक्स 2-3 मंथ्स हुए हैं। सो इसके अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो ये ग्लास बॉटल आता है, अगेन वो भी ग्लास बॉटल था, ये भी ग्लास बॉटल है। तो ट्रैवल फ्रेंडली मैं इसे भी नहीं कहूँगी और ना मैंने उसे कहा था। और इसमें भी एक पंप एप्लीकेटर मिलता है जो कि बहुत अच्छा है, हाइजीन मेंटेन होता है। और इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो 599 रुपीज़ इसकी MRP है। सो ये आपको और कम में भी मिल जाएगा अगर आप ऑन ऑफर्स लेते हैं। सो इसके मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो उसमें भी मैंने इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं की थी। और ये इसमें ओपनली मेंशन है कि विटामिन सी एंड टर्मरिक है, तो मैंने आपको बता दिया। और ये सीरम बेस्ड फाउंडेशन है गाइस। इसके क्लेम्स है ये सारे तो मैं आपके साथ मेंशन कर रही हूँ। ये लाइट वेट फॉर्मूला में आता है एंड इसकी अगर हम बात करें तो ये सीरम बेस्ड फाउंडेशन है, तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं ऐसे ही फाउंडेशन के साथ कंपैरिजन रिव्यू करना चाहती हूँ जो सेम सेम तरीके का वर्क करते हो, वो भी सेम तरीके का वर्क करते हैं, वो भी उन इन स्किन टाइप्स पे अच्छा होता है और ये भी उसकी स्किन टाइप्स के लिए अच्छा फाउंडेशन है। तो मैं ऐसे ही फाउंडेशन के साथ कंपैरिजन रिव्यू वीडियो करना पसंद करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि एक ड्यूई फाउंडेशन एक मैट फाउंडेशन, ऐसा नहीं करती मैं। हाँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली करूँगी। एंड गाइज इसकी कवरेज की मैं बात करूँ तो इसकी कवरेज भी मीडियम है, शेयर टू मीडियम मैं कहूँगी। आप चाहे तो इसे बिल्डअप कर सकते हो डेफिनेटली। एंड ऑयली स्किन वालों के मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि अगर आप ऑयली स्किन हो तो आप तब भी इसे मत यूज़ करो। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, अगर आप तब भी यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हो। इसमें 7 शेड्स है गाइज, इसका मैंने शेड गाइड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लीजिए। एंड गाइज मैंने अभी मामा अर्थ फाउंडेशन एंड फेसेस कैनेडा फाउंडेशन का कंपैरिजन रिव्यू वीडियो शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर मैं कहूँगी गाइज में 7 शेड्स है, यानी ऑक्सीडाइज की मैं बात करूँ तो ये ना ऑक्सीडाइज थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता। अगर मैं कहूँगी ये 10% ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, बट कवरेज इसका शेयर टू मीडियम है। एंड या बिल्ड कर सकते हो बट ये ऑक्सीडाइज उतना नहीं होता, बट होता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर आप गलत शेड लोगे तो डेफिनेटली और ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप अपना करेक्ट शेड लेते हो तो ये 100 में से 10% ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। सो ये जो थी इसकी बात। अब मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देती हूँ कि मुझे इन दोनों फाउंडेशंस को यूज़ करके कैसा फील हुआ, कौन सा फाउंडेशन मेरे स्किन पे ज़्यादा अच्छा वर्क किया, वो मैं अब आपको बता देती हूँ। तो गाइज मैं किसी फाउंडेशन को बुरा नहीं बोल रही, बट मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा फाउंडेशन मेरे स्किन पे बहुत अच्छा बेटर फील किया है मुझे। गाइज मैं आपको बता दूँ, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी स्किन ड्राई है, समर्स में कम ड्राई रहती है बट विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, एक्सट्रीम ड्राई रहती है, ठीक है। और मेरी टी जोन पे एक ऑयल आ जाता है कभी कभी, इवन समर विंटर में कहीं पे भी ऑयल नहीं दिखेगा। तो मेरी स्किन इस टाइप की है, मेरी स्किन ड्राई है। एंड मैं आपको बता देती हूँ मुझे कौन सा फाउंडेशन पर्सनली यूज़ करने में बेटर लगा है। जब मैंने फॉरएवर 52 फाउंडेशन यूज़ किया, बहुत अच्छा से रिजल्ट आया, बट मेरी स्माइल लाइन्स एंड थोड़े से फोरहेड के पास नहीं, थोड़े से स्माइल लाइन्स के पास एंड थोड़े से नोज़ के पास थोड़ा सा ये फट गया था एंड में, बहुत देर के बाद। मैं आपको कहूँगी 6 to 8 hours के बाद ये थोड़ा सा फट गया था, क्रैक हो गया था बेसिकली। एंड जो सीरम फाउंडेशन है मामा अर्थ का, ये मैंने जब मैंने इसे भी लगाया था एंड मैं आपको बता रही हूँ, मैं शूट नहीं कर पाई बट मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ बता रही हूँ, जहाँ तक मुझे याद है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब एंड में मैं मतलब मैं फंक्शन में गई थी और फंक्शन से मैं आ गई मामा अर्थ फाउंडेशन यूज़ करके, मेरे कहीं कहीं पे उड़ गया था, उड़ गया था मीन्स कहीं कहीं पे फाउंडेशन हट गया था ज़्यादा, कहीं कहीं पे बहुत अच्छे सेटल था बट कहीं कहीं पे वो उड़ गया होगा, हो सकता है स्वेट की वजह से, बट वो हट गया था। एंड ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था मुझे कि कहीं फाउंडेशन हट गया है। एंड अच्छे से सेट करने के बाद भी ये हुआ था, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, 6 to 8 hours ही मैं आपको कहूँगी ये लगभग। तो जो फाउंडेशन है दोनों ही अच्छे हैं, बट उस टाइम ऐसा वर्क किया मेरे ऊपर। एंड मेरी स्किन ड्राई है, ऑब्वियसली मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से फाउंडेशन रहता है, बट क्रैक हो जाता है, तो क्रैक होना एंड कहीं कहीं पे हट जाना बहुत मुझे ऑकवर्ड लगा था। सो ये था, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे फाउंडेशन कौन सा, बेसिकली मुझे इन दोनों में से कौन सा फाउंडेशन ज़्यादा अच्छा लगा है। इस दोनों ही फाउंडेशन ने अपनी अपनी जगह अच्छा वर्क किया था। अगर मैं 5 या 4 hours से लगा कर स्टे पावर रखती तो वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट मुझे अगर मैं इन दोनों में चूज़ करूँ एक फाउंडेशन तो आई विल चूज़ फॉरएवर 52 फाउंडेशन। ये मुझे बहुत पसंद है गाइज, एंड ये थोड़ा बहुत क्रैक किया था बट हटा नहीं था मेरे फेस से।
सो इसलिए मुझे फॉरएवर 52 फाउंडेशन मैंने इन दोनों में से चूज़ किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो क्या करना है, लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने तो उसके लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। से आ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा वो वीडियोस देखने के लिए। बाय।